तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज है दिवाली। दिवाली की हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता लक्ष्मी जी आप सबके ऊपर धन की वर्षा करती रहें और कुबेर महाराज जी अपना आशीर्वाद बनाए रहें। तो दोस्तों आज कुछ है खास, क्योंकि आज प्रभु श्री राम जी अगर हमारा बुलावा जो है स्वीकार करते हैं तो आज उनके दरबार में हम हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि आज भव्य दीपोत्सव होने वाला है वहाँ पे। तो मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उससे फ़ोन करके बोला कि भाई अगर पास मिल जाता है तो प्रभु श्री राम जी के दरबार में आज दीपोत्सव करने जाते हैं। तो दोस्तों उसने बहुत ही कोशिश किया और आखिरकार अंत में जाके मिल ही गया। उसने पापा से बोला कि हमारे दोस्त आ रहे हैं, उनको दीपोत्सव में जाना है। तो प्रभु श्री राम जी भी बुलावा स्वीकार कर लिए हैं और हम उनके दरबार में तो जा ही रहे हैं, आप सबको वीडियो के माध्यम से दर्शन कराते रहेंगे। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलते हैं प्रभु श्री राम के दरबार में। बोलो जय श्री राम। दोस्तों फाइनली हमको एक कार्ड मिल गया है, वो भी हमारे मामा, वैसे हैं तो दोस्त लेकिन हम सब इनके मामा कहते हैं। हमारे दोस्त, हमारा एक दोस्त है तो उससे मामा है, तो ये सबके मामा है, हमारे ही नहीं आप सबके भी ये मामा है। जगत गुरु मामा जिसे कहते हैं वो है। तो इनकी मेहरबानी से इनके पिताजी ने व्यवस्था कर दिया, ये कार्ड आपको दिखाएंगे। दोस्तों गाड़ी हमने पार्किंग लगा दिया है और हम सब अब एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। अब हम सब पैदल जाएंगे। यहाँ से कितना पड़ेगा मामा? लगभग वही 2.5 से 3 किलोमीटर के आस। 2.5 से 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर हमसे पैदल चलना। दिक्कत नहीं है? हाँ, पेट वेट कम हो जाएगा। आज जैसा कि मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि मोदी रंग में पूरा रंग चुके हैं, अपने शरीर पे जो है पूरा उनके रंग का टैटू और स्वच्छता अभियान का जो भी है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। हम सब लाइन में लग गए हैं और लग रहा है यहाँ पे पास जमा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को सूचित कर दें कि यहाँ के पुलिस वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो हमको सूचना दे रहे हैं कि आप लोग स्पेशल पास पा चुके हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से आधा घंटा पहले ही आपका एंट्री लिया जाएगा और आपको एकदम सबसे फर्स्ट नंबर वाली सीट पर आपको बैठाया जाएगा। आपकी अच्छे अगर एंट्री हो गई तो, अगर एंट्री हो गई तो बाकी तो कुछ बोल रहे हैं इधर जाओ, कुछ बोल रहे हैं उधर जाओ और कुछ बोल रहे हैं घर जाओ। तो अब हम सब आ गए लता मंगेशकर चौक, आपको दिखाते हैं लता मंगेशकर चौक जो अभी कुछ दिनों पहले ही चर्चित में था, तो वहाँ पे आ गए हम। ये देखिए दोस्तों अंदर चले आए, लेकिन हमारे दोस्त जो मामा हैं वो अभी बाहर फंसे हुए हैं। अब देखते हैं उनका एंट्री कैसे होते हैं। अभी देखिए कितनी खुशी रहती। तो दोस्तों लगभग दो किलोमीटर हम सब अंदाजा लगाए थे, लेकिन वहां से एंट्री करते ही वहां से घुमा दिए थे क्योंकि भीड़ काफी थी। तो लगभग 3 किलोमीटर हम सबको पैदल आना पड़ा। बोलो बोलो। लगभग 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा थक गए। और आने के बाद तो एंट्री हो ही नहीं रही थी क्योंकि हमारा सबका जो कार्ड है
वो 5 बजे के बाद एंट्री है। जब मोदी जी आएंगे, जब दीपोत्सव होगा, तो हम सब किसी तरह जुगाड़ लगा के इधर उधर करके फिर अंदर आए हैं। तो राम की पैड़ी पे, हाँ, राम कर चुके हैं। राम की पैड़ी जहाँ पे दीपोत्सव होगा वहाँ पे एंट्री हम सब कर चुके हैं। तो वहाँ से आते ही हमको लग गई है भूख। अब आए हैं हम सब रेस्टोरेंट में, तो कुछ खाएंगे, फिर खाने के बाद चलेंगे वहाँ पे, थोड़ा बहुत हेल्प कराएंगे क्योंकि आए हैं भगवान श्री राम के स्थान पे, तो वहाँ पे हम सब कुछ हेल्प करने के लिए ही आए हैं, तो अपना सहयोग जरूर देंगे। तो हम ऑर्डर किए हैं कुछ खाने के लिए, खा के फिर चलते हैं। इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अब वो समय आ गया है जो दीपोत्सव का। अब कुछ ही समय में जो देखिए गूंज, भक्तों की गूंज जो है वो गूंजने लगी है। कुछ ही समय में हूटर बजने का निर्देश दिया जाएगा, उसके बाद दीपोत्सव होना शुरू हो जाएगा। शुरू होने जा रहा है, नंबरिंग हो रही है। तो दोस्तों बिल्कुल बज चुका है और टाइम कितना हो रहा है, एकदम लगभग लगभग स्टार्टिंग की ओर है, 5:15 के टाइमिंग थी, 5:15 पे 5:15 हो चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली दिया जल चुका है और भक्तों की भीड़ अब ज्यादा ही दिखाई दे रही है, और अब जो दिया जला रहे थे उनको खाली करने के लिए जगह बताया जा रहा है कि आप लोग, हाँ आप लोग खाली कर दीजिए, ताकि जो ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन से जो शूट होगा वीडियो, उससे अच्छा व्यू आएगा। जब ये हट जाएंगे आपको फाइनल व्यू दिखाएंगे भी। देख रहे हो तो कौन पत्थर है, राम नल नील वाला पत्थर के ऊपर जा रहे हैं हम सब। नल नील वाला पत्थर है ये, बगल में नदी है। दोस्तों हम लोग आ गए और जैसे ही कुछ लोग आना शुरू किए, उधर से चारों पंप चालू कर दिया गया। यो भैया वो पंप
वहाँ जाप कब दीपावली देखा है ये सोच। देखो दोस्तों, कुछ लोग जबरदस्ती रास्ता बना लिए थे तो यहाँ पे हुआ यूं कि पानी चालू कर दिया गया है ताकि रास्ता अवरोधित कर दिया जाए। चलो दोस्तों, श्री राम जी का आशीर्वाद लेते हुए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय श्री राम।